नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे केके न्यूज़ हिंदी में स्वागत है। शादी के दिन ही पड़ गया एग्जाम, अंदर बैठी दुल्हन और बाहर इंतजार कर रहे दूल्हे राजा। कभी कभी कुछ कारणों से ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि शादी और परीक्षा एक साथ पड़ जाती हैं। ऐसी स्थिति में दुल्हन के लिए बड़ी ही मुसीबत हो जाती है। हासन में भी एक दुल्हन से सामने आई ऐसी मुसीबत खड़ी हो गई। ऐसे में दुल्हन अंदर परीक्षा दे रही थी और वहीं दूसरी तरफ दूल्हा परीक्षा हॉल के बाहर उसका इंतजार कर रहा था। शादी की रस्म खत्म होने पर दुल्हन ससुराल जाने की जगह अपने पति के साथ परीक्षा देने के लिए परीक्षा केंद्र पर पहुंच गई। ऐसे में दूल्हे राजा क्या करते हैं, वे भी परीक्षा केंद्र के बाहर खड़े थे। परीक्षा केंद्र के अंदर दुल्हन सबसे आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। इस मामले में हुआ ये कि गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज हसन की अंतिम वर्ष की छात्रा HR श्वेता की परीक्षा 3 नवम्बर को थी। परीक्षा के कारण ही श्वेता की शादी की तारीख 18 नवम्बर को तय कर दी गई थी, मगर मंडला लोकसभा उपचुनाव के कारण परीक्षा टल गई। इसके बाद परीक्षा की तारीख 18 नवंबर को तय कर दी गई। परिजनों ने बताया कि उस दिन 7:44 से 8:45 के बीच शादी की रस्में पूरी हो गई थी। इसके बाद श्वेता पति और अन्य परिजनों के साथ परीक्षा देने चली गई। यहां परीक्षा केंद्र के बाहर उनके पति नवीन उनका इंतजार कर रहे थे। परीक्षा खत्म होने के बाद वह शादी की अन्य रस्मों में भी शामिल हुए। परीक्षा के बाद श्वेता ने कहा कि परीक्षा के लिए मैंने कड़ी मेहनत की थी और इस मौके को खोना नहीं चाहती थी। परिजनों और ससुराल वालों ने भी श्वेता का हौसला बढ़ाया। श्वेता का कहना है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि शादी के दिन ही मुझे परीक्षा केंद्र पर जाना पड़ेगा। श्वेता इसे नया अनुभव बताती हैं। उन्हें परीक्षा में अच्छा नंबर पाने की उम्मीद भी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।